कानून की नजर में सब एक समान होते हैं, जाति से परे, धर्म से परे और इस बात से भी परे कि आप पुरुष हैं या महिला। कानून सबके लिए एक ही है। अब देश के कई हिस्सों में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिकता कानून की मांग उठ रही है, जिसको लेकर अम्बाला शहर से भाजपा विधायक असीम गोयल ने भी देश में समान नागरिकता कानून बनाए जाने का पुरजोर समर्थन किया। विधायक असीम गोयल ने कहा कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो इसी देश से अलग हुए हैं, वहां पर समान नागरिकता कानून है, तो भारत में भी समान नागरिकता कानून लागू होना चाहिए। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मेरा ये मानना है कि ये हर हालत में हर तरीके से लागू होना चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, भारत एक है। भारत का क्लेवर, भारत का फ्लेवर एक होना चाहिए। धारा 370, इसकी सबसे पहले विरोध अगर किसी ने किया तो हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। उन्होंने अपने इस काम के लिए वहाँ के जो उस समय के हुक्मरान थे, जो भारत की खेवनहार उस समय बने हुए थे, उनको मना किया कि वो चाहते थे कि कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए, 370 की व्यवस्था कर दी जाए। और बाद में उनके बुरे मंसूबे कामयाब हुए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने उसका विरोध किया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आप चाहते हैं कश्मीर के अंदर सड़कें भारत बनवाए, कश्मीर की सुरक्षा भारत करे, खाद्यान्न की आपूर्ति भारत करे, लेकिन भारतीय वहाँ जा ना सके, स्पेशल पास या परमिशन के बिना जा ना सके, उसको एक तरह का वीज़ा लेना पड़े। यानी आप दोगली बात कर रहे हो। और समान नागरिक संहिता की बात, जिस दिन से मजहब के आधार के ऊपर, रिलीजन के आधार के ऊपर भारत का विभाजन हुआ, उसी दिन से चली आ रही है। और हमारा ये मानना है, पाकिस्तान और बांग्लादेश इसी भारत से अलग हुए, वहाँ पर समान नागरिक संहिता है साहब, वहाँ पर वो लोगों को ठीक लगती है, लेकिन जब यहाँ की बात आती है तो अल्पसंख्यकों की बात कह के उस बात को झुठला दिया जाता है। यहाँ कहते हैं पर्सनल लॉ है अल्पसंख्यकों के लिए, तो भाई पर्सनल लॉ है तो आप जो चंद मुट्ठी भर हिंदू लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश में बचे हैं, तो उनके लिए पर्सनल लॉ की व्यवस्था कर दीजिए साहब। वहाँ तो आपको समान नागरिक संहिता चाहिए, और भारत के अंदर जब समान नागरिक संहिता की बात आती है तो आपको चाहिए ही नहीं। तो भारत के अंदर समान नागरिक संहिता पूरे केंद्र की तरफ से भी लागू होनी चाहिए, और हमारे राज्य के लिए, हरियाणा के लिए मैं पुरजोर इसकी मांग आदरणीय मुख्यमंत्री जी से करूंगा और गृहमंत्री जी से करूंगा, इसको लागू करवाया जाए।